संभागायुक्त महादेव कावरे द्वारा किया गया अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील कार्यालय दुर्ग का निरीक्षण। उपस्थित पंजी में हस्ताक्षर नहीं करने पर लिपिक की रोकी गई एक वेतन वृद्धि, साथ ही राजस्व निरीक्षक को थमाया कारण बताओ नोटिस। दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरे द्वारा दुर्ग जिले के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं तहसीलदार कार्यालय दुर्ग का निरीक्षण किया गया, जहां श्री कावरे द्वारा कार्यालय के समस्त शाखाओं के निरीक्षण के दौरान शाखाओं के कर्मचारियों के टेबल पर नेम प्लेट अवश्य लिखे जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही तहसील कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया गया एवं समस्त आवेदनों को समय सीमा के भीतर कार्रवाई किए जाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग मुकेश रावटे को दिए गए। इस दौरान उन्होंने प्रतिलिपि शाखा एवं सूचना के अधिकार शाखा में दस्तावेजों के अव्यवस्थित रख रखाव पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं संबंधित कर्मचारी को व्यवस्थित रख रखाव के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी की जांच की गई, जिसमें कानूनगो द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना पाया गया, जिस पर संभाग आयुक्त द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई एवं संबंधित कर्मचारी फूल सिंह पुलस्ते की एक वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश दिया गया। साथ ही अधिकारियों को नियमित तौर पर उपस्थिति पंजी जांच करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान संभाग आयुक्त द्वारा न्यायालय तहसीलदार दुर्ग, अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग एवं नायब तहसीलदार के प्रकरणों का अवलोकन भी किया गया, जिस दौरान कार्यालय तहसीलदार में कुल 2333 प्रकरण, जिनमें तहसीलदार दुर्ग में 1699 प्रकरण, अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में 567 प्रकरण एवं नायब तहसीलदार न्यायालय में 176 प्रकरण लंबित पाए गए। लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक होने पर प्रकरण के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही समय सीमा के बाद के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के तौर पर निराकरण करने हेतु तहसीलदार दुर्ग प्रकाश सोनी एवं अतिरिक्त तहसीलदार प्रेरणा सिंह को निर्देशित किया गया है। इसी दौरान कार्यालय में पहुंचे कातुल बोर्ड निवासी भगत राम से श्री कावरे ने समस्या के संबंध में जानकारी ली। आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका त्रुटि सुधार कार्य लंबित विगत कई दिनों से लंबित है, जिस पर श्री कावरे ने अनुविभागीय अधिकारी रावटे को 15 दिवस के भीतर त्रुटि सुधार किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही एक अन्य मामले में संबंधित राजस्व अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।